3 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें चिन्हों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है जिसमें माइनस और प्लस का साइन है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही इजी वे से समझाया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि चिन्हों को कैसे किया जाता है, फिर मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे मैंने किया है माइनस 3 माइनस 2, जब कभी माइनस माइनस मतलब ये प्लस माइनस की डिजिट होती है तो जो दो साइन होते हैं जो हमारे इक्वल साइन होते हैं वो हमेशा प्लस में चले जाते हैं। जैसे माइनस और माइनस दोनों इक्वल है ना, तो मतलब ये हो गया कि जो अपोजिट साइन होते हैं और जो सेम साइन होते हैं, सेम साइन हमेशा प्लस में जाते हैं, तो 3 to 5 होता है। मगर ध्यान रखा जाएगा कि जब हम इन दोनों को प्लस तो कर दिया, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, मगर हमारे ये चीज़ माइनस में ही लगेगी। क्यों? बोला जाता है प्लस मगर लगाया माइनस क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि हमने इससे भी कर्जा लिया और इससे भी कर्जा लिया। जब अगर हमारा ये चीज़ मल्टीप्लाई में हो, माइनस 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 to 6 और ये हमारा प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम तो हैं, जो बोली जा रही हैं वही लिखी जा रही हैं। माइनस माइनस प्लस बोला जाता है तो प्लस लिखा भी जाता है। बट जब हम माइनस प्लस करते हैं, बस इतना आप लोगों को समझना है, जब हम माइनस प्लस करते हैं तो जो डिजिट हम बोलते हैं वो डिजिट नहीं उतरता है। बोला तो जाता है वही, मतलब किया तो वही जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस किया जाएगा, बट आपको साइन उसका लगाना पड़ेगा जिसका अंक बड़ा हो। जैसे माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5। और दूसरी बात इसमें होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और हमेशा ये माइनस इंटीजर में ही लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है जैसे प्लस 5 प्लस 5, तो हम इसे प्लस 10 ही करेंगे, हम इसे माइनस 10 नहीं करेंगे। अब आप कहोगे यहाँ माइनस माइनस तो माइनस हो गया था, यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा प्लस में ही रहता है, ठीक है। मगर अगर माइनस 5 माइनस प्लस 5 करेंगे तो हम प्लस माइनस माइनस 0, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो प्लस माइनस माइनस बोला जाएगा और माइनस कर भी दिया जाएगा। जैसे माइनस 5 है और माइनस 3 है, प्लस 5 माइनस 3, तो अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा। अब आपने कहा इसका क्या लगना चाहिए? माइनस लगना चाहिए, प्लस प्लस, क्योंकि प्लस का डिजिट बड़ा है। आप इस चीज़ का ध्यान रखो, सॉरी, जिसका डिजिट बड़ा होता है उसी का अंक, सॉरी, उसी का चिन्ह लगता है। जिसका डिजिट बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ पे देखो, मैंने माइनस 5 लगाया था क्योंकि दोनों ही माइनस थे, माइनस का 3 भी बड़ा कह सकते हैं हम। यहाँ दोनों मैंने सेम लगा दिया था, प्लस लगा दिया था, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड में जो बोला जाता वही लिखा जाता साइन, ठीक है। प्लस 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 होता, प्लस माइनस माइनस होता है, और 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइड हमेशा माइनस होते हैं और जो सेम साइन होते हैं वो हमेशा प्लस में होते हैं, चाहे वो माइनस ही क्यों ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं आपको 1.3 का क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो जो साइन बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। 3 × 3 प्लस माइनस माइनस, बस माइनस 3 आंसर हो गया। अब आपके दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर है आपका 1, सॉरी मैंने 1 नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 है, तो अब इसे देखेंगे क्या करेंगे हम। 25 × 2 = 5 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का माइनस ही लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया, 21 × 3 = 21 = 21 21 × 2 = 42 21 × 3 = 63। अब देखो प्लस माइनस मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में जो बोला जाता वही लिखा जाता, माइनस माइनस प्लस, तो आपका 360 प्लस का हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया डी पार्ट हम करेंगे। अब यहाँ पर आ गया 1 3 16 × 1 316 1 316। अब माइनस 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 प्लस, तो हम प्लस का ही साइन लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड में जो साइन बोला जाता वही साइन यहाँ पर लगता है। हम प्लस यहाँ लिखते नहीं है क्योंकि कॉमनली अगर कोई साइन नहीं लगाए तो उसे हम प्लस ही मानते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। ई सेक्शन में यहाँ पर 15 दे रखा है, यहाँ 18 दे रखा है, बीच में 0 दे रखा है। आपको ये बात पता है कि किसी भी डिजिट को कितनी भी मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कोई भी डिजिट कितना भी बड़ा हो जाए, मगर अगर वो लास्ट से 0 से करा तो टोटली 0 हो जाता है। आपको ये बात तो पता ही होगी, तो हम इसका सीधा आंसर 0 ही लिख देते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारा ही 15 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और साइन भी 0 ही, और साइन का कोई महत्व नहीं रहता जब वो क्या रहता है, 0 रहता है, तो क्योंकि 0 का कोई साइन
वो नहीं करता, मैंने नहीं रखता। अब देखो, अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। इसमें अब यहाँ पर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइड 12 से, और 11 जा कितना हो जाएगा हमारा, 12 11 जा हो जाएगा 132, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है 320 आंसर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार देख लो, जो चीज़ नहीं समझ में आती आप वापस एक बार कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6, 9 3 जा 27 होता है आपका 162। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, वो सॉरी प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट है h, h देखो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हम करेंगे माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। अब 18 को 20 से करो, 18 1 जा 18 18 2 जा 36। इसे भी करने का बहुत इजी तरीका होता है अगर आप देखो तो, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 360 आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चंस पर आएंगे। इस क्वेश्चंस का आंसर है देखो माइनस 1 2 1 जा 2, हम इन दोनों को करेंगे 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 24, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। अब इसको करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 3 6 जा 18, माइनस प्लस माइनस वो सॉरी माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 18 1 जा 18 18 2 जा 36, हमारा सीधा सिंपल सा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी, ये हमारा था एच, फिर उसके बाद आ गया हमारा ये था आई, 24 आंसर आया था, और ये हमारा आ गया जे। तो आपको मैंने आपको एक एक्सरसाइज का पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी 1.3 की। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई वाला, जो मैं अभी आपको बताऊँ।